ओके एक्सरसाइज नंबर 6.1 हाउ मेनी नंबर्स स्लाइस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके तो तीन अलग अलग एग्जांपल है, तो हम लिख लेते हैं पहले अलग अलग एग्जांपल 12 एंड 13, दूसरा है 25 एंड 26 और तीसरा आपको दिया हुआ है 19 एंड 100। तो देखो ये सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपके बुक में दिया हुआ है कि जब भी ये ऐसा आए ना क्वेश्चन कि नंबर बिटवीन द स्क्वायर नंबर ये आप फाइंड करो, तो इसके ये ऐसे करते हैं कि दोनों में से मिनिमम नंबर मीन्स स्मॉल वाला नंबर फाइंड करो और उसका टू टाइम्स कर दो। 12 एंड 13 दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है 12, उसका टू टाइम्स कर दो तो 24। तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में 24 नंबर होंगे, कितने होंगे 24। वैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और इसका, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर है ये हमको फाइंड करना है, तो 25 का टू टाइम्स कर दो तो कितना आएगा 50। ओके वैसे 99 और 100 का स्क्वायर आपको पता करना है कि स्क्वायर के बीच में कितना है, तो 99 को टू टाइम्स कर दो तो 198। ऐसे करके आप किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते, किसी भी दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते आप फाइंड कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर वन। तो एग्जांपल वन नंबर वन है, तो वन में फर्स्ट दिया है 39, कितना दिया है 39, तो 39 का हमको स्क्वायर करना है, तो 39 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे 3 + 9 ऐसा भी लिख सकते हैं ना 39 को, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दिया है तो इसको दो टाइम टू अलग अलग टाइम लिखेंगे, सिंपल है ये ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो वैसे इसको 30 + 9 है तो 30 + 9 इंटू करके लिखा। अब हमको पता है 30 के साथ में पूरा ब्रैकेट लेंगे और ये 9 के साथ में पूरा ब्रैकेट लेंगे, तो अब 13 × 30 + 13 × 9 ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का 9 × 30 + 9 × 9 ओके अब ये 30 × 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ये 270, ये 270 और ये 8। तो स्क्वायर दिया हुआ था तो स्क्वायर को हम ऐसे और ऐसे लिख सकते 3 + 9 3 + 9 दो बार, तो ये हो गया, ये क्या हो गया 39 और ये भी मल्टीप्लिकेशन में 39, तो ये अल्टीमेटली वही आ गया, ये दो बार स्क्वायर है तो दो बार लिखा हमने। अब क्या करेंगे 330 पहले के साथ में पूरा ब्रैकेट और फिर प्लस करके दूसरे के साथ में पूरा ब्रैकेट। अब सिंपल 30, अब इसको कैसे लिखेंगे 13 × 30 तो 30 का स्क्वायर प्लस 13 × 9 प्लस 9 × 30 प्लस 9 का स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफिकेशन दे दो, 30 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 900, इसका 270, इसका भी 270 और 9 का स्क्वायर 81। तो जब भी आप इसका सम करोगे, तो 1521 आ जाएगा आपका आंसर। ओके तो देखो वैसे ही 42, तो 42 में 42 मीन्स 40 + 2 42 मीन्स, तो 40 + 2 दो बार लिखा, तो दो बार लिखेंगे तो पहले 40 के साथ में पूरा ब्रैकेट, फिर 2 के साथ में पूरा ब्रैकेट, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आंसर क्या आएगा आपका 1764। कितना आंसर आएगा 1764। अब एक नया कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस का, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 9 + 16 मीन्स 25, तो 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का जब आप सम करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, वैसे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर आएगा। मीन्स ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, मीन्स पाइथागोरस में ये तीन लाइक दो का स्क्वायर तीसरे से मिलेगा ना, तो उसको बोलते ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। तो ऐसे ही एक अलग भी आता है 5, 12, 13 भी आता है, फिर 9, 40, 41 भी आता है, ऐसे ऐसे ट्रिपलेट हम बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं। देखो एग्जांपल में क्या बोला है, राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। क्या है स्मॉलेस्ट नंबर 8, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का जनरल फॉर्मूला आप याद रखना, एक इसमें से एक होगा 2m होगा सबसे छोटा वाला, फिर एक बड़ा एक उससे मिडल वाला होगा m स्क्वायर माइनस 1 और बड़ा वाला m स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके स्मॉलेस्ट होगा m स्क्वायर माइनस 1, बड़ा होगा m स्क्वायर प्लस 1 और बीच वाला 2m। तो हमको क्या करना है, लेट अस फर्स्ट टेक m स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो स्मॉलेस्ट 8 दिया है तो उसको m स्क्वायर माइनस 1 कर लो, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 ले लिया, तो 1 सामने जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, तो m इज इक्वल टू 3 आया, कितना आया 3, m इज इक्वल टू कितना आया 3। तो अब 3 की वैल्यू तीनों में रखो, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये होगा 6,
यहां पे 2m में m इज इक्वल टू 3, तो 2m इज इक्वल टू 6 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ट्रिपलेट कौन सी आई, 6 8 10, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 हुई, इसकी वैल्यू 6 यहां पे रखो तो m स्क्वायर माइनस 1 तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये 8 हो गया और m स्क्वायर प्लस 1 तो 8, तो 6 8 10 क्या आया, 6 8 10 ऐसे करके आप बना सकते हो। फिर अलग ट्रिपलेट 2m इज इक्वल टू 8 है तो m इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो m स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे m स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 17 आ गया, तो द ट्रिपलेट इज 8 15 17 विथ 8 एज अ स्मॉलेस्ट नंबर। और ये ट्रिपलेट 6 8 10 बट 8 इज नॉट स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी हमारी वैल्यू थी लेकिन यहाँ पे 6 8, तो यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट नंबर 8 बोला था ना, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 6 आया, तो ये पहली पैर हमारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दूसरी पैर पे जाते हैं, 2m इज इक्वल टू 8 तो m इज इक्वल टू 4। ओके, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो।